गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग फॉर एक्टिविटी नंबर फोर। एक्टिविटी फोर के बारे में आज हम सीखेंगे। यस्टरडे मैंने आपको जो एनिमेशन वीडियो भेजे थे जो इसके रिलेटेड है, जो आज मैं चलाने वाला हूँ। सो टेक अ डीप ब्रेथ, उंडा गहरा सांस लो एंड होल्ड इट फॉर अ लिटल व्हाइल। गहरा सांस लेके थोड़ी देर तक रखो। फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। फील योर चेस्ट बोन्स, तो आपके चेस्ट बोन को गहरा सांस लेने के बाद आप चेक करो, सो थोड़े अप हो गए। एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। काउंट एज मैनी रिब्स, और उसमें से आप रिब्स काउंट कर सकते हो। बोन्स ऑफ द चेस्ट, सो टूडेज अवर टॉपिक इज बोन्स ऑफ द चेस्ट, द रिब केप। यू कैन सी इन दिस फिगर, इट इज अ रिब केप, मतलब जिसको बोला जाता है छाती का पिंजरा। जो हमारी चेस्ट होती है उसका जो पिंजरा होता है उसके अंदर सेवरल हार्ट एंड लंग्स ये सब सुरक्षित रहते हैं। सो इसके बारे में हम सीखेंगे। ऑब्जर्व फिगर 8.10 केयरफुली एंड कंपेयर विथ व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन्स। तो चेस्ट बोन को आप हाथ लगा के जब देखोगे तो आपको ऐसा फील लगेगा। वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट, वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट, ये थोड़ी बेंट होती है। दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टूगेदर फॉर्म अ बॉक्स। सो चेस्ट बोन एंड बैक बोन, मतलब आगे के पीछे के दोनों तरह से ये एक केज बनाती है, मतलब पिंजरे जैसा बनाता है। सो दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टूगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स, दिस इज कॉल्ड द रिब केज, इसको ही रिब केज कहा जाता है। There are 12 ribs on each side of the chest. तो chest की चारों तरफ each side, every side में 12 ऐसी ribs होती है। Some important internal parts of our body lie protected inside this cage. Some important internal parts. तो important internal जो parts होते हैं हमारी body के lie protected inside it. इसके अंदर सुरक्षित होते हैं। Ask some friends to touch their toes without bending their knee. Starting from the neck, move your finger downward on the back of your friend. What you feel is the backbone. Ask some friend to touch their toes without bending their knee. तो knee को bend किए बिना आप उनको पूछो, अपने friends को अपने toes को bend करें। Starting from the neck, neck से start करके मूव योर फिंगर डाउनवर्ड, अपनी फिंगर्स को नीचे तरफ हिलाओ। वॉट यू फील इज द बैक बोन, इट इज मेड ऑफ मैनी स्मॉल। तो बैक बोन क्या होता है? बैक बोन इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट से बना हुआ होता है बैक बोन। द बैक बोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे, द बैक बोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे। तो बैक बोन में 33 ऐसे वर्टिब्रे होते हैं जिससे आप नीचे झुक सकते हो, आप अपनी कमर को ऊपर नीचे कर सकते हो। सो द रिब केज इज जॉइंट टू दिस बोन्स, तो रिब केज जो होता है बैक बोन के साथ जॉइन होता है। इफ बैक बोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन, इफ बैक बोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग, अगर ये बैक बोन एक ही लंबे बोन से बना हुआ होता, एक ही लंबी हड्डी से अगर बना हुआ होता, सो विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड, क्या अपना दोस्त आपका या आप खुद बेंड कर पाओगे? तो नो। सो बैकबोन की वजह से ही हम ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, मतलब बेंड हमारे बॉडी को नीचे की तरफ झुका सकते हैं। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विथ बोथ हैंड्स प्रेस्ड टू द वॉल। मेक योर फ्रेंड, अपने दोस्त को बताओ, स्टैंड विथ बोथ हैंड्स प्रेस्ड टू द वॉल, दीवार के सामने दोनों हाथों को पुश करके रखने का बोलो। एंड आस्क हर टू पुश द वॉल, और उसको बताओ कि वो दीवार को धक्का मारे। डू यू नोटिस टू बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर आर। तो शोल्डर से दोनों हिस्से जॉइंट होते हैं, दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स। यू कैन सी इन द फिगर नंबर 8.12। सो शोल्डर के जो बोन्स होते हैं वो भी वहाँ जॉइन होते हैं हाथों के अंदर। ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली। नाउ यू कैन सी फिगर नंबर 8.13। दी स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पेल्विक बोन्स। सो 8.13 जो है विच इज कॉल्ड पेल्विक बोन्स। सो पेल्विक बोन्स से यह जॉइन होता है। दे एंक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमच। स्टमच के नीचे का जो हिस्सा होता है उसको यह जॉइन करता है।
दिस इज द पार्ट यू सीट ऑन, ये वह पार्ट है जिससे आप बैठ सकते हो। द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बॉन्स जॉइंट टूगेदर। नाउ लास्ट थिंग, द स्कल, स्कल मतलब कि इंसान की खोपड़ी, जो हमारा जो फेस जो बनता है, फेस किससे बनता है, स्कल, स्कल मीन्स खोपड़ी। द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बॉन्स जॉइंट टूगेदर, इट एनक्लोजिस एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट द बॉडी, द ब्रेन। तो स्कल क्या करता है, हमारे ब्रेन को सुरक्षित रखता है। We discussed the many bones and the joints of our skeleton. There are some additional parts of the skeleton that are not as hard as bones and which can be bent. These are called the cartilage. तो हमने bones के बारे में समझा, सीखा। अभी आगे दूसरे भी जो body के जो parts हैं उसमें भी bones होते हैं, but they can bend, वो bend हो सकते हैं। These are called the cartilage. उसको cartilage कहा जाता है। सो फील योर ईयर, अपने ईयर को फील करो। डू यू फाइंड एनी हार्ड बॉनी पार्ट्स दैट कैन बी बेंड, क्या उसके अंदर कोई हार्ड बॉनी पार्ट है? नो। सो दैट डू नॉट सीम टू बी एनी बॉन्स हियर, इजंट इट, वहाँ पे कोई बॉन्स नहीं है, सही ना? यस। डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लॉब एंड द पर्सन अबाउ इट, ईयर लॉब और उसके ऊपर के हिस्से में आपको कुछ डिफरेंट लिखता है, दिखता है? यस। सो यू प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर्स, अपने फिंगर्स के बीच में उसको दबाओ। You feel something in the upper parts of the ear. Ear के upper parts में आपको कुछ something लगेगा, थोड़ा hardness लगेगा। Not as hard as a bone. Yes. So इसको bone ही कहा जाता है, पर यह जो bones होता है उसको cartilage कहा जाता है। So cartilage is also found in the joints of the body. Cartilage is also found in the joints of the body. तो हमारे body के joints में जो bones use होता है, which is called cartilage. So we have seen that our skeleton is made up of many bones. We have seen that, हमने देखा, our skeleton is made up of many bones. हमारा जो body है उसमें skeleton होता है, और skeleton जो होता है बहुत सारे bones से बना हुआ होता है, joints and cartilage. So our skeleton is made up of many bones, joints and cartilage. तो हमारी जो body है बहुत सारे bones, joints and cartilage से बनी हुई होती है। You could feel, bend and move many of them. You could feel, bend and move many of them. उसमें से बहुत सारे को आप feel कर सकते हो, bend कर सकते हो और move भी कर सकते हो. So draw a neat figure of the skeleton in your notebook. आपके notebook में आपको skeleton की figure draw करनी है. We have learned about the bones in our body and about joints that helps us to move in different ways. मतलब आपको नोटबुक में ड्रॉ नहीं करोगे तो चलेगा, पर उसको रफ नोटबुक में भी आप ड्रॉ कर सकते हो। वी हैव लर्नड अबाउट द बॉन्स इन अवर बॉडी एंड अबाउट जॉइंट्स दैट हेल्प अस टू मूव इन डिफरेंट वेज। व्हाट मेक द बॉन्स मूव दे वे दे डू, लेट अस फाइंड आउट। सो नाउ मेक अ फिस्ट विथ वन हैंड, मतलब एक हाथ की मुट्ठी को, बैंड योर आर्म एट द एल्बो, एल्बो से उसको बैंड करो, एंड टच योर शोल्डर विद द थंब, अपने थंब को कोनी मतलब शोल्डर पे टच करो। सीन फिगर 8.17 ऐसे। सो यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखेगी। सो फिगर नंबर बी में देखो कि आपकी मसल्स जो है उसकी थिकनेस कम है, जबकि फिगर नंबर ए में मसल की थिकनेस ज़्यादा है। सो यह टॉपिक जो है कॉन्ट्रैक्शन का हम टुमारो सीखेंगे। सो दिस टॉपिक वी विल लर्न टुमारो। तो यहाँ तक मैंने जो समझाया वो आप अच्छे से समझना, देन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हम कल सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।